क्या है बजट से बाजार की उम्मीदें, बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए सर, क्या कुछ हो और क्या कुछ ना हो बजट में जो बाजार को पसंद आए? गुड मॉर्निंग अनिल, क्या कुछ हो और क्या कुछ ना हो, तो आई थिंक सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि क्या हो। तो अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद इस बजट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है और लोग ये जानना चाहते हैं कि अब सरकार ऐसा क्या करेगी कि जो लोग थोड़ा सा दुखी हुए थे डीमोनेटाइजेशन के बाद, एटलीस्ट वहाँ से राहत शुरू हो। तो अगर हम टैक्स की तरफ जाएं, टैक्सेस की तरफ, तो दोनों ही जगह पे कॉर्पोरेट टैक्सेस एज वेल एज इंडिविजुअल टैक्सेस में कुछ ना कुछ राहत की उम्मीद है। एज फार एज इंडिविजुअल टैक्सेस आर कंसर्न, द एग्जेम्पशन लिमिट हैज़ टू गो अप। ऐसा लगता है कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बाकी बेनिफिट्स जैसे हाउसिंग के ऊपर, चाहे वो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, चाहे वो इंटरेस्ट लिमिट हो या डिडक्शन हो, यहाँ सब जगह एक अच्छी उम्मीद है कि यहाँ पे टैक्स का कुछ फ़ायदा होगा। ऑन द कॉरपोरेट साइड ऑल्सो ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट ने 2019 तक 25% तक जाने का बात किया था, वहाँ किस तरह से अब जाएंगे, अभी तो 30% है और अगर आप सरचार्ज वगैरह लगाएं तो 34 तक आता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी ऑब्वियसली नीचे जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाएगी वो जॉब क्रिएशन के बारे में देखा जाएगा और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन बजट में देखें रेल्स में, रोड्स में, ब्रिजेस पे, हाईवेज पे, एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट्स पे, तो ये सब जगह अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होगा और कुछ 10-15% की बढ़ोतरी होगी, जैसे इन्होंने लास्ट ईयर कुछ 2.47 लाख करोड़ कुछ किया था, तो इस बार अगर अब 15% तक की उसमें बढ़ोतरी देखें तो ना केवल इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बल्कि जॉब्स भी क्रिएट होंगी। इसके अलावा अभी ये भी देखना है कि फिस्कल डेफिसिट को किस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करती है, जो एनके सिंह कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया है वो कितना हेडरूम उसमें गवर्नमेंट को मिलता है 3 से 3.5% के बीच में, ये एक उम्मीद देखी जाएगी। इसके अलावा जो ऑब्वियसली सोशल स्पेंडिंग पे गवर्नमेंट कुछ काम करेगी, शायद नई स्कीम्स नहीं आए, पुरानी स्कीम्स को ही कुछ ठीक किया जाए और उसमें ही ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिले। इसके अलावा अभी डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी अगर इस तरह डिजिटाइजेशन के या ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करेंगे तो टैक्स नेट बढ़ेगा, तो इससे भी बहुत फायदा होगा कि टैक्स ज़्यादा आएगा तभी गवर्नमेंट के पास एक मौका मिलेगा टैक्स कम किया जाए। इसके अलावा कुछ सोप्स आएंगे शायद स्टार्टअप के लिए, ये सब तो हम चाहते हैं कि होना चाहिए। अब बाजार क्या पसंद नहीं करेगा जो नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इफ देर आर टैक्सेस ऑन कैपिटल मार्केट्स किसी भी तरह से, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, लॉन्ग टर्म में हो, एसटीटी पे हो, तो बाजार रिएक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें जो है बाजार के हिसाब से लगता है कि अगर कुछ ऐसा रिएक्शन आएगा, बट अगेन ये सब तो अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर कुछ छोटा मोटा ट्वीकिंग इधर हुआ तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर कैपिटल गेंस टैक्स और खासतौर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में कोई फेरबदल हो जाएगा तो वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन इस समय मार्केट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और देखिए अनिल, एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है टेलीकॉम। आइडिया वोडाफोन की जो मर्जर की खबरें हैं आप देखिए, 8% ऊपर है, रिलायंस कम्युनिकेशन 4% ऊपर, भारतीय एयरटेल 4% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशन में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो टेलीकॉम सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर और काफ़ी समय बाद अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर इस समय उभर कर आ रहा है। लेकिन अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बजट की तैयारी में सब लोग बुलिश थे, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ गए कि मुस्लिम कंट्रीज से वो कह रहे हैं कि अब लोग वहां नहीं जा सकते यूएस में, आप इन बयानों को किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो ये बहुत साफ हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक डिसरप्शन की बात कर रहे थे। जब हम कह रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो डिसरप्शन होगा, और जब उनकी हमने एक्सेप्टेंस स्पीच सुनी तो ऐसा लगा कि वो सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है वो वापस डिसरप्शन, कुछ ना कुछ नया ऐसा कुछ करते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो वो बोल रहे थे उसमें से काफ़ी कुछ वो करेंगे, तो ऑब्वियसली इससे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपको आपके सामने एक अनसर्टेनिटी आ जाती है।
अब अगर हम इंडिया के ऊपर देखा जाए उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं या फार्मा सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर थोड़े वरीड हैं, वेदर इट इज़ H1B वीज़ा और वेदर देर आर अदर रेगुलेशंस। तो ये अभी ये सब वॉलेटिलिटी चलेगा, कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऐसे बयान आएंगे और कुछ ना कुछ काम भी होंगे, जैसे उन्होंने TPP से वो बाहर आना चाहते थे और उन्होंने किया। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये पता लग रहा है कि जो वो बोल रहे थे वो एक्चुअली करेंगे भी। तो ये एक ऐसा, बट अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए जो दूसरा ये है कि अगर US तरक्की करेगा, अगर वो लूज फिस्कल पॉलिसी करेंगे और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, अगर US बढ़ेगा तो US को बाकी सब कंट्रीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो US का ग्रोथ है उसका फ़ायदा इंडिया को एट लास्ट होने ही वाला है। मे बी टेम्परेरीली देर विल बी डिसरप्शन, इट विल बी सेटलिंग डाउन, पीपल विल नो हिम मोर, उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इमर्जिंग कंट्रीज का भी फायदा होगा। और इंडिया बीइंग द फास्टेस्ट कंट्री, तो आई थिंक जो हमें एक अगर स्मॉलर इनफ्लो भी आ रहे हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा हमें इंडिया में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। और बाजार इस बीच एकदम शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग जो होती दिख रही है एकदम निश्चित तरह से क्या सुधार है अभी, दोनों तरफ ट्रेड होती है ऊपर नीचे दोनों तरफ।